आहार में हम काफी सारी चीजें अभी ले सकते हैं। मलिन आहार जो कभी जहाँ पे स्वच्छता नहीं होती वहाँ उस प्रदेश में जो आहार खाया जाता है वो मलिन आहार में समाविष्ट हो सकता है, या जो आहार हम ऐसे ही रखते हैं खुला बिना ढक के वो भी मलिन हो सकता है। ये जो कृमियों के सामान्य हेतु बताए हुए हैं माधव निदान और सुश्रुत के अनुसार इनका वर्णन अभी हमने किया है। कृमि के कुछ स्पेसिफिक हेतु भी बताए हुए हैं माधव निदान में। ये जो श्लोक है, माश पिष्टाम्ल लवण गूढ़ शाकै ही मांस मत्स्य गुड़ क्षीर सॉरी मांस पिष्टाम्ल लवण गुड़ शाकै ही पुरीष जाहा, मतलब पुरीष जो कृमि होते हैं उनके कारण जो है उसमें ये कारण बताए हुए हैं। उड़द पिष्टाहार अम्ल और लवण प्रधान आहार गुड़ और शाक और मांस मत्स्य गुड़ क्षीर दधिशुक्तै ही कफोद्भवाः, ये कफज कृमियों के कारण बताए हुए हैं। और विरुद्ध अजीर्ण ही शाकाद्य ही शोणितोत्था भवन्ति ही, ये जो है रक्तज कृमि के हेतु बताए हुए हैं। ये अगर हमने चार्ट फॉर्म में अगर ऐसा किया तो कफज कृमि के हेतु में देखिए मांस है, मत्स्य है, मतलब नॉनवेज का समावेश ज्यादातर इसमें है, और गुड़ जो है, गुड़ का कारण जो है, गुड़ की वजह से कफज कृमि या पुरीषज कृमि होने की ज्यादा संभावना होती है। क्षीर इसकी वजह से कफज कृमि हो सकते हैं। मधुराम्ल नित्यो आया था श्लोक में, तो क्षीर जो है मधुर प्रधान ही होता है, मधुरस प्रधान। और ये जो है दधि, दधि की वजह से भी कफज कृमि हो सकते हैं और शुक्त की वजह से कफज कृमि हो सकते हैं। और पुरीषज कृमि अगर देखे जाए तो माश मतलब उड़द की वजह से, पिष्टान्न की वजह से, अम्ल और लवण रस प्रधान जो आहार होते हैं उनकी वजह से पुरीषज कृमि होते हैं। और अम्ल लवण प्रधान जो आहार है उसमें अभी लेज कुरकुरे ऐसी बहुत सारी चीजों का हम समावेश कर सकते हैं। और शाक जो है, शाक भी कारण होते हैं पुरीषज कृमि के लिए, मतलब ग्रीन वेजिटेबल ज्यादातर। और रक्तज कृमि का जो हेतु है, रक्तज कृमियों में विरुद्ध आहार, आप सबको पता है विरुद्ध आहार एक रक्त दुष्टि का प्रधान कारण है, उसकी वजह से रक्तज कृमि होने के चांसेस होते हैं। अजीर्ण और शाक, इसमें भी शाक का वर्णन आया है, मतलब शाक के बारे में ज्यादातर पुरीषज कृमि और रक्तज कृमियों में बताया हुआ है हेतु के तौर पर। और गुड़ के बारे में कफज और पुरीषज कृमि के हेतु में बताया हुआ है। अभी कृमियों का जो कफज कृमि है, कफज कृमि के अगर कुछ प्रकार देखने जाएंगे हम चरक और सुश्रुत और हारित के हिसाब से और कुछ ग्रंथकारों के हिसाब से अलग अलग कुछ प्रकार होने के चांसेस है। जितना मेरे पढ़ाई में आया उतना मैंने यहाँ पे नोट किया है, और बाकी के जो और लोग हैं अभी इस मीटिंग में जिनको कुछ ज्यादा चीजें पता हो वो और चीजें निकाल के मुझे भेज सकते हैं या बता सकते हैं। एक्चुअली वो अगले स्लाइड में या अगले लेक्चर में हम वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड उसमें जा सकते हैं। कफज कृमि जो है चरक में आंत्राद उदराद हृदयाद दर्भपुष्प सौगंधिक महागुद और चुरव, ये जो प्रकार बताया है चरक में। और सुश्रुत में दर्भपुष्प महापुष्प प्रलुन चिपिट पिपीलिका और दारुन, ये प्रकार बताए हुए हैं। मतलब चरक में कफज कृमि के तीन तीन छह और सात प्रकार बताए हुए हैं और सुश्रुत में छह प्रकार बताए हुए कफज कृमि के। सुश्रुत ने कर्म के भेद से मज्जाद नेत्रलेही तालुभुज और श्रोत्रभुज ऐसे चार प्रकार ज्यादा बताए हुए हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम अभी नहीं जा रहे हैं, खाली हम अभी नाम देख रहे हैं। और हारित में जो है, हारित में सूची कृमि और धान्यांकुराकार कृमि ऐसे दो प्रकार बताए हुए हैं। और कुछ लोगों का जानकारों का कहना है कि हारित में ये जो प्रकार बताया है वो खुद हारित में लिखे हुए नहीं है, या वो प्रक्षिप्त के तौर पर है, इसलिए ब्रैकेट में हमने प्रक्षिप्त करके लिखा है। कफज कृमि के जो अभी प्रकार देखे, कफज कृमि के लक्षण अगर देखने जाएंगे तो कुछ ये लक्षण पाए जाते हैं।
ये लक्षण मैंने माधव निदान का श्लोक देख के लिखा हुआ है, बाकी के ग्रंथ का रेफरेंस लेके कुछ लक्षण होंगे तो बाद में और ऐड हो जाएंगे। जितना इकट्ठा करूं जानकारी उतनी कम है, इसलिए पूरी जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा और जरूरी है। और जो कुछ और विद्वान यहाँ पे उपस्थित है वो भी इसमें प्रकाश बाद में डाल सकते हैं। और कफज कृमि के जो लक्षण है उसमें रिल्लास, हास्य श्रवण, अविपाक, अरोचक, आनाह, छर्दी, ये लक्षण मेनली पाए जाते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है उसका मैंने एक के नीचे एक सिक्वेंशियली यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम ध्यान में रख सके। फिर क्षौथु और पीनस, ये एक लक्षण पाया जाता है। और क्षौथु और पीनस के बारे में भी मैं थोड़ा अप्लाइड थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अक्सर जब डीएनएस, साइनोसाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसे जो पेशेंट आते हैं और उनमें कभी कभी कृमि यह निदान होता है, और अगर कृमि का निदान हम नहीं कर पाए तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें ये जो रिवर्स थिंकिंग है क्षौथु और पीनस के बारे में देखना जरूरी है। और अगर ये पेशेंट में कुछ रीसेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर डिसीज का ना हो, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एसी का संपर्क अचानक आना, या कुछ कफवर्धक पदार्थ खाना, या कफवर्धक कुछ विहार उनका होना, या स्विमिंग पूल में ठंडे पानी में नहाना वगैरह, ऐसे कुछ विहार का कारण ना हो, और उनको जैसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक, मतलब विदाउट एनी रीजन अगर क्षौथु या पीनस ऐसा उनको एग्रेवेट हो रहा हो तो उसमें कृमि के बारे में सोचना हमें अवश्यंभावी होता है। आपको एक जनरल आइडिया दी मैंने, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे पाए जाते हैं। मेरी एक पेशेंट थी ऐसी जिसमें कृमि ये निदान हो रहा था, बाद में मैंने जब नोट किया, लेकिन उसमें बल की वजह से मैं वमन का नहीं सोच पाया, और उस वक्त मैंने उसको बस्ती का थोड़ा विधान करके देखा, लेकिन उसमें जो रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से शुरू शुरू में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो पेशेंट मुझसे बाउंस हो गई। एक्चुअली इसमें छिपाने जैसी कुछ बात नहीं है, फेल्यूर से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, और एक फेल्यूर हो जाने के बाद हम कंटिन्यूस सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ऐसी केसेस वापिस हमसे ना छूटे। तो आप भी नोट कीजिए, फेल्यूर से ज्यादा सीखना चाहिए, और एक बार हुई हुई गलती दोबारा उसको नहीं करना चाहिए। ज्वर, मूर्छा और कार्श्य, ये लक्षण भी पाए जाते हैं, तो ये आपको देखना जरूरी है। कार्श्य लक्षण लेके अगर कोई पेशेंट आता है, वेट गेन के लिए अगर कोई पेशेंट आता है, तो कृमि के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ज्वर के वक्त भी हमें ऐसा कृमि का जो कारण है वो इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। अभी हारित में जो सूचीमुख कृमि और धान्यांकुराकार जो कृमि वर्णन है उनके बारे में जो वर्णन आया है मैं आपको बताता हूँ। सूचीमुख कृमि में, ये मराठी में, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, लिप्तास्यता करके है, मतलब कोटेड टंग की वजह से जो फिलिंग आता है वो एक फिलिंग होता है सूचीमुख कृमि की वजह से। पहले खाली सूचीमुख कृमि की तरफ ही ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अरुचि एक लक्षण है, अग्निमान्द्य लक्षण है, अंग गौरव लक्षण है, आतों में चुभने जैसी जैसा पेन होता है, सुई की चुभन जैसा पेन हो सकता है, और जो सरक्त मल प्रवृत्ति करके एक लक्षण है सूचीमुख कृमि में, और सरक्त छर्दी, ये दो लक्षण काफी अलग है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सरक्त मल प्रवृत्ति और सरक्त छर्दी, जब सरक्त मल प्रवृत्ति हो तो एक
तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिशर या पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है, रक्त जर्श होता है, इन व्याधियों की तरफ ही ज्यादा मुड़ने के चांसेस होते हैं, तब सूचीमुख कृमि का विचार हमें नहीं आता है। लेकिन वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पर हमें याद रखना है, और सर्पिंग चर्दी, इसमें भी हमें सूचीमुख कृमि एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। कंप और तृषा, कंप कंप ये लक्षण हो तो हमें कृमि के बारे में सोचना जरूरी है। ये ठीक है, तृष्णा लक्षण में भी कृमि के बारे में सोचना जरूरी है। और एक स्पेसिफिक और अलग लक्षण यहाँ पे बताया है कि ये लीवर को कुरेदता है, ये कृमि, सूचीमुख कृमि, रक्त यकृताचे भक्षण करता तो समटलेला है। कुछ कृमि को जो प्रकार है मॉडर्न साइंस के तौर पर पढ़ने के बाद और उस पर प्रकाश हो सकता है, और जो कंपैरिजन है उन अच्छी तरह से हो सकता है। जैसे स्किन डिसीज में बहुत सारे आयुर्वेदिक जो डिसीजेस है उनके कंपैरिजन करके अच्छा प्रकाश उस पर गिरता है, या कुछ सेट भी हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो उसी तरह से हमें कृमि का विचार थोड़ा करके देखना जरूरी है। पूरा कृमि के तौर पर और काफी चीजें सीखना, पढ़ना और जान लेना जरूरी है, जो मैं भी कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में हूँ। तो आप भी इस स्टडी में सहभाग ले। धान्यांकुरकर कृमि के बारे में अभी हम सोचेंगे। शरीराचा, हाँ सॉरी, हिंदी में बताता हूँ, इसमें विद्रति पाए जाते हैं इस कृमि की वजह से, और विद्रति की वजह से जो वेदना होती है वो वेदना भी इसमें होती है, और हृदय का दौर्बल्य इसमें पाया जाता है, या जो मल प्रवृत्ति है वो शिथिल होती है। ये लक्षण पाए जाते हैं इसमें विद्रति, ये एक टिपिकल लक्षण बताया हुआ है धान्यांकुरकर कृमि। कुछ पेशेंट्स में हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, आईजीई बढ़ा हुआ रहता है, और उसकी वजह से भी विद्रति होते हैं। ऐसा एक पेशेंट मेरे पास था, उसको एक्चुअली मैं अच्छी तरह से परामर्श या रिजल्ट नहीं दे पाया, एक अलग केस थी। तो ये भी आपको जानकारी के लिए बता सकता हूँ, मुझे ये पता नहीं था कृमि भी एक रीजन हो सकता है, तो विद्रति का रीजन कृमि भी बताया हुआ है। और विद्रति में अगर एक देखा जाए, एक पीड़िका का प्रकार भी विद्रति बताया हुआ है, और प्रमेह पीड़िका का जो वर्णन है, प्रमेह पीड़िका में, थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ लेकिन विद्रति का नाम आया इसलिए बता रहा हूँ। प्रमेह पीड़िका में प्रमेह के का कारण प्रमेह का कारण ना होते हुए भी सिर्फ मेदो दृष्टि की वजह से भी विद्रति होता है, ऐसा ग्रंथ में चरक संहिता में वर्णन है। इसलिए विद्रति के बारे में, वो प्रमेह पीड़िका है क्या, वो रक्त प्रदोषज ही विद्रति है या मेदो प्रदोषज विद्रति है, ये सोचना जरूरी होता है, या कृमि की वजह से विद्रति है। ऐसे तीन अलग अलग पैरामीटर्स हमें मिले हैं, उनकी एंगल से हमें विद्रति का विचार एक अलग से करना जरूरी होता है। ये तीनों लक्षण कुछ अलग, मतलब फॉर एग्जाम्पल टिपिकल लक्षणों में मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। ओके, ये हरि संहिता में जो वर्णन आया हुआ है उसका वर्णन था। कफज कृमि के ही प्रकार बताया है हरि संहिता ने, सूचीमुख कृमि और धान्यांकुरकर कृमि, उसका वर्णन अभी किया। फिर रक्तज कृमि के प्रकार जो है, रक्तज कृमि के प्रकार चरक में और सुश्रुत में कुछ अलग अलग बताए हुए हैं। रक्तज कृमि चरक में केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुम्बर, जंतुमातर और मातृक ऐसे बताए हुए हैं। और सुश्रुत में रक्तज कृमि के नखाद, दंताद, कुष्ठज और परिसर्प ऐसे प्रकार बताए हुए हैं। मतलब रक्तज कृमि के
तीन टोटल सात बताए हुए हैं चरक ने, और सुश्रुत ने चार प्रकार बताए हुए हैं। रक्तज कृमि के बारे में थोड़ा वर्णन यहाँ पे मिलता है, वो देखते हैं। रक्तज कृमि ये रक्तवाही सिराओं के आश्रय से होते हैं। इनका आकार जो है छोटा होता है, वृत्ताकार मतलब गोल गोलाकार होता है। उनको पैर नहीं होते हैं और वो सूक्ष्म भी होते हैं, तो कभी कभी हम वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही उनको देख सकते हैं, ऐसे वो रक्तज कृमि होते हैं। रक्तज कृमि का वर्ण है जो ताम्रवर्णी होता है, और इनके हेतु में जैसे हमने देखा विरुद्ध आहार, अजीर्ण और शाक, ये इनके कारण होते हैं। और रसदुष्टि की वजह से रक्तज कृमि होते हैं, ऐसे अरुणदत्त जी ने कहा है। और इनके लक्षणों में देखा जाए तो रक्तज कृमियों की वजह से केश, श्मश्रु, लोम और पापण्या मतलब जो आई लैशेस है, आई लैशेस वो झड़ना, उनके बाल झड़ना, ये लक्षण पाए जाते हैं। या करोंदे हुए से भासना, ऐसा लक्षण पाया जाता है। और जो व्रण होता है, व्रण की जगह पे हर्ष, तोद, कंडू, और वो व्रण जो है वो जल्दी ना भर के आना, ये लक्षण भी पाया जाता है। कृमि की वजह से ये लक्षण पाया जाता है। तो अगर कोई व्रण जल्दी ना भरता हो तो उसमें कृमि का प्रादुर्भाव होने की संभावना होती है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी हमें पता है। कृमि अधिक सॉरी कृमि ज्यादा बढ़ने के बाद स्किन, स्नायु, सीरा, मांस और तरुणास्थि, इनको भी वो निगलना शुरू करते हैं। उसकी वजह से स्थानिक तौर पर इनका क्षय होते जाता है। और रक्त दुष्टि के जो अन्य विकार है वो भी रक्तज कृमियों की वजह से पाए जाते हैं। रक्तज कृमि की वजह से फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा एक अप्लाइड यहाँ पे एक बताना चाहूंगा, उसके बारे में शायद मैं अप्लाइड सेक्शन अलग से है उस वक्त भी बताऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं उसकी चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। अभी जो मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट है, वो पेशेंट मेरे पास उसके शरीर पे त्वचा पे ददोरे आते थे, उसके लिए आया था। मोस्टली वो चेहरे के ऊपर आते थे, और जो निदान है वो सामान्य एकदम विचार करके पित्त दुष्ट होके और उसकी वजह से रक्त दुष्टि होके उनको ये सिम्टम शुरू हुए थे। ऐसे ही दोष दुष्य वगैरह सोच के ही पहले निदान किया था। कुछ वो प्रॉपर शीत पित्त है, उदर्द या कोट में बैठ रहा है, ऐसा कुछ तब सोचा नहीं था। फिर भी जो निदान जो किया था, दोष दुष्य वगैरह सब मालूम होने की वजह से उनको रिजल्ट काफी अच्छा शुरू से ही मिलना शुरू हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी हिस्ट्री बताई जब मैं फॉलो अप ले रहा था कि मुझे दांतों पे दांत मतलब प्रेस करने की आदत है, या ऐसे कुछ सिम्टम्स उन्होंने क्रोमी की तरफ जाने वाले कुछ सिम्टम्स मुझे बताए। तो और एनल ईचिंग कभी कभार होती है, तो एक्चुअली वो उनको शायद किसी ने बताया भी था। तो वो अल्बेंडाजॉल या मेबेंडाजॉल लेना इंटरमिटेंटली, या कैस्टर ऑयल लेना 3-6 महीने में, ऐसे कुछ तो करते थे वो। नहीं, शायद कैस्टर ऑयल हर महीने में एक बार लेते थे वो। तो ऐसी वो केस थी। लेकिन कृमि का जब एंगल मुझे पता चला, तब मैंने जो उनको मैं दवाई दे रहा था उसमें कुछ चेंजेस किए, और उसकी वजह से जो फॉलोअप में मैंने कृमि का विचार करके, प्रायः रक्तज कृमि का विचार करके जब दवाई मैंने इंट्रोड्यूस की, तब उसके अगले फॉलोअप में काफी ज्यादा मुझे रिजल्ट मिला। मतलब उनको जो ददोरे आते थे पहले, वो 1-2 दिन के बाद आते थे रिजल्ट मिलने के बाद। पहले तो कंटिन्यूअस आते थे, उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के आते थे। और जब मैंने ये कृमि का एंगल सोच के दवा ऐड की, तो उन्हें खाली परहेज में कुछ गड़बड़ हो, उसी वक्त उनको वो ददोरे भी पूरे नहीं आए, खाली इचिंग वगैरह ऐसा हुआ। तो ये जो है ड्रामेटिक रिजल्ट
अगर हम पिन पॉइंट अपना हमारा डायग्नोसिस हो तो होता है, इसके लिए मैंने बताया। और उसकी चिकित्सा के लिए मैंने क्या विचार किया वो बाद में मैं अप्लाइड सेशन जो लूंगा उसमें मैं वर्णन करूंगा। कुछ अलग अलग कृमि की अभी जो है पुरीषज कृमि, मुझे लगता है कफज रक्तज का वर्णन हुआ है। उसमें कुछ दूसरे ग्रंथों का वर्णन अगर बीच कुछ देना बाकी रहा है वो भी मिल जाएगा। और उसमें कुछ अलग मिला तो मैं आपको बताऊंगा। कफज रक्तज कृमि हो गया और पुरीषज कृमि का बाकी है। पुरीषज कृमि का वर्णन अभी मेरे पास नहीं है, कुछ समय के हिसाब से मैं वो नहीं जुटा पाया। और पुरीषज कृमि से हम आगे जो बात है वो आगे कल के लेक्चर में पुरीषज कृमि के बारे में विश्लेषण करके थोड़ा आगे जाएंगे। और अगला शेड्यूल में कुछ नई नई चीजें मैं सामने लाऊंगा। और मुझे आपसे एक दरख्वास्त है कि आप भी अलग तरीके से कुछ सोच के, या अलग जो जानकारियां है अलग अलग ग्रंथों में, जैसे माधव निदान में कहा गया है कि कृमियों के टोटल जो वर्णन है, जो 20 प्रकार के कृमि बताए हुए हैं अलग अलग ग्रंथकारों ने, लेकिन उन सब ग्रंथकारों ने कृमियों के जो नाम है वो अलग अलग दिए हुए हैं। और उनके हिसाब से और वर्णन के हिसाब से अगर देखा जाए कि तो उनकी संख्या 20 ना होते हुए काफी ज्यादा है। तो ये भी सब जुटाने की जरूरत है। और आप इसमें एक्टिवली अगर सहभाग लेंगे, या किसी किसी का शायद किसी का थीसिस होगा रिसर्च का वगैरह, उनको मुझसे अगर ज्यादा पता होने की शक्यता भी है। यहाँ पे कुछ एमडी किए हुए डॉक्टर्स भी रह सकते हैं, या कुछ रिसर्चर्स भी रह सकते हैं, तो वो भी इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं।